नार्को टेस्ट कराओ, वो सच बोलेगी। अभी तक कह रही है सचिन। और सचिन भी ऐसा है, हर थोड़ी थोड़ी देर में कह रहा है। ये दूसरों के लिए कब्र खोलता है पाकिस्तान, तुम्हारे पास तो आटा नहीं है खाने को, तुम्हारा कख ना रहे, ये हमारे लिए बुरा सोचते हैं। कहते हैं अगला जुम्मा दिल्ली में, तुम्हारा जुम्मा निकालूंगा मैं भी अगला जुम्मा दिल्ली में। तुम्हारा यहाँ का अगर जुम्मन मियां भी आ गया ना दिल्ली छह वाला, तुम्हारा वही नोचलेगा जिसमें तुम अकड़ते हो, समझ गए। ये सीमा हैदर नहीं है, ये खतरनाक निकल सकती है भाई साहब। प्यार तो कहीं भी हो सकता है, देश देख के प्यार होगा। अरे अंधा मैडम, पाकिस्तान में ही प्यार करोगे? दहेज में बम के गोले आएंगे पाकिस्तान, वैसे नहीं डरते हम। मगर तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, ये लव फ्लर्ट कर रहे हो, फ्लर्ट समझते हो? उनके जिंदगी में लड़की आई आपको? एक बार और बोलना दोबारा, कौन आई है? लड़की। एक मिनट भाई साहब हंसो मत, चार बच्चों की माँ लड़की है। मेरी उर्फी जावेद के बारे में कुछ मत बोलना, वो जवान है अभी भी। अभी तो वो प्यार नहीं करते थे तो चार हो गए। हाय राम, अगर तुम प्यार करते तो पूरा जिला होता एक। ये जितनी मेट्रोपॉलिटन साइड है ये सारे बंद करके पबजी खेलो और लेडीजों के और मैडमों के नाम खोजो। अफ्रीका से भी आएगी हलेलुया वाली, उसको भी रखो। वो जो कहेगी हुला ला 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 ले ओ, हुला ला 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 ले, वो भी आएगी। अब उसको वापिस भेजो, नहीं तो उसकी जांच करो, और उसको नागरिकता देने से पहले मेरे आए हुए हिंदू रिफ्यूजियों को नागरिकता दो जो 30 साल से यहाँ ऐसी तैसी करा रहे बेचारे। एटीएस के कस्टडी में है वो? बाबा की कस्टडी में है अभी, योगी आदित्यनाथ बाबा। अब बाबा कुछ भी उगलवाएगा, सच तो बोलना पड़ेगा। और चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं पूरा बांस निकलेगा। ब्रेकिंग न्यूज, तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज। अरे भाई हर चैनल में सीमा हैदर, कोई चैनल खोल लो भाई साहब, सुबह भजन लगा लो तो कहते सीमा हैदर का क्या होगा। अबे तुम्हारा क्या होगा बे, तुम्हारी सीमा भाग जाएगी उसके चक्कर में। जब वो लड़की यहाँ आई कैसे आ गई, वो कैसे घुसी? तो ये तो देश की सुरक्षा पे सवाल उठ रहा है। नहीं भाई साहब, सुरक्षा में आर्मी वाले पे सवाल नहीं उठाऊंगा, एक की गलती सारे आर्मी में नहीं डालूंगा। मगर उसके बोल रही है उसको रहने दीजिए। अरे जय श्री राम बोल के आधा पाकिस्तान घुस जाएगा हमारे देश में। हिंदू धर्म अपना लिए वो हैं, हिंदू धर्म अपना लिए। मुंह से बोलने से हिंदू धर्म अपनाते हैं? खाली राम राम बोल दो तो हिंदू। वह कसाब भी ऐसे आया था राम राम बोलते हुए कलावा पहन के, जिसने निर्दोषों को मारा मुंबई में। भैया अभी कोनो फिरकी ले रहा है, ये सीमा हैदर नहीं है, ये खतरनाक निकल सकती है भाई साहब। अभी तक तो नहीं प्रूफ हुआ है सब। अरे एक बात बताओ आप, मैं मानता हूँ प्यार अंधा होता है, मानता हूँ। अच्छा, कुछ खतरनाक इनके साथ ऐसा कुछ होता है, कुछ खतरनाक ये करने आई है तो अपने साथ चार बच्चे क्यों लेके आती है? यही तो सस्पेंस है, कोनो फिरकी ले रहा है। बच्चों को भी खतरे में, बच्चों को दांव पे लगाया हुआ है क्योंकि जेल नहीं हो रही। आपको पता है उसके बच्चे हैं? आप प्रूफ करो, आप प्रूफ करो उसी के बच्चे। बोल तो रही है वो कि चार बच्चे, चारों बच्चे। अच्छा, अगर मैं बोल दूंगा यहाँ 25, अरे रुक जाओ, मैं बोल दूंगा यहाँ मेरे 25 बच्चे घूम रहे हैं, मान जाओगे? आपको लग रहा है मैं 25 कर लूंगा? डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कर तो लूंगा मैं। डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तो यही तो कह रहा हूँ, डीएनए करा लो उनका, नार्को टेस्ट कराओ, वो सच बोलेगी। अभी तक कह रही है सचिन। और सचिन भी ऐसा है, हर थोड़ी थोड़ी देर में कह रहा है। अरे कौन कौन चैनल वाले भाई, वो ब्रेकिंग न्यूज, आज की चल गई फरमान। अबे तुम्हारी आज की चल रही है यहाँ? और एक ही मीडिया सुनो, एक ही मिला है, वो भी दोस्त। प्यार भी पता कहाँ मिला है? अवैध तौर पर आई जो सीमा पाकिस्तान का प्यार। अरे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, चेन्नई है, हिमाचल है, कश्मीर है। प्यार तो कहीं भी हो सकता है, देश देख के प्यार होगा। अरे अंधा मैडम, पाकिस्तान में ही प्यार करोगे? दहेज में बम के गोले आएंगे। अब प्यार हो ही गया है तो क्या कर सकते हैं? जब आतिशबाजी हो रही होगी, लोगों की गाड़ियां उड़ रही होंगी तो कहेंगे परजाई आई है। बोले कहां से? बोले पाकिस्तान से आई है, गोला बम लेकर आई है। अब सीमा हैदर और सचिन को और शादी तो में हमारे हिंदुओं में ना तलवार होती है, एक के 47 लगवा देगी वो, हो गई। कोनो फिरकी ले लेगा भैया मेरे को तो। मैं वैसे पाकिस्तान से नहीं डरता है पाकिस्तान, वैसे नहीं डरते हम। मगर तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, ये लव फ्लर्ट कर रहे हो, फ्लर्ट समझते हो। हम वैसे ही दुखी है, सचिन के घर की स्थिति देख के लग रहा है प्यार अंधा होता है। उनको अपना प्यार मिल गया, आपको क्यों दुख हो रहा है? आपको काहे परेशानी हो रही है उससे? मुझे तो लग रहा है कि सचिन सुंदर है क्या, एक बार बता दीजिए ना। ओए होए, आप रेसिस्ट बन रहे हैं, आप रेसिस्ट बन रहे हैं। सुक्का है बिल्कुल वो, मैडम रेसिस्ट बन रहे हैं, मैडम भेदभाव कर रहे हैं आप। क्यों? नहीं भेदभाव नहीं कर रहा मैं,
मैं ये पूछ रहा हूँ, प्यार अंधा होता है क्या? बिल्कुल अंधा होता है प्यार, किसी से भी कहीं भी हो सकता है। मोतिया बीन वाला होता है? बिल्कुल होता है, एकदम अंधा होता है। चार बच्चों को पाल। मैडम एक बात बताइए, दो बच्चे उनको प्यार हो गया तो आपको दुख क्यों हो रहा है? उनके जिंदगी में लड़की आई, बताइए कौन आई है उनके जिंदगी में? लड़की आई आपको? एक बार और बोलना दोबारा, कौन आई है? लड़की। एक मिनट भाई साहब हंसो मत, चार बच्चों की माँ लड़की है। मेरी उर्फी जावेद के बारे में कुछ मत बोलना, वो जवान है अभी भी। आपको ऐसा क्या दिख गया सीमा इधर में कि वो आपको लड़की लग रही चार बच्चों वाली? अगर दो इधर घूम रहे होंगे ना और दो इधर घूम रहे होंगे और वो गलती से किसी मॉल में चली गई और चारों ने एक साथ बोल दिया मम्मा आइसक्रीम खिला दो, तो शर्म से चूर चूर हो जाएगी बेचारी। चार बच्चे, इतनी महंगाई बेरोजगारी में। और सबसे मजे की बात तो सुनो, सचिन पालेगा ना, आपको क्या दिक्कत हो रहा है? कहाँ पालेगा सचिन? उनके बच्चों को पालेगा ना? चार बच्चों को पाल लेगा, यूट्यूब से बोला ही है। क्या बेचेगा वो, ऐसा क्या करेगा वो? अरे वो खुद पला नहीं। अरे सुनो, पहली बात तो ये है कि वो अपने अगर बीबी को छोड़कर आई है तो गलत है। अगर किसी का हस्बैंड बाहर विदेश में काम करता है तो महिला का काम है उसके पैसों को सही इस्तेमाल करके उसके बीबी बच्चों को अपने ऊपर लगा के उस बच्चे की सुख शांति की मनोकामना करना, ना कि पबजी खेल के। हेलो, फियर फायर। तो उसको सुख शांति नहीं कर दिया तुमने, तो सुख शांति नहीं मिला तभी ना भारत आई है। सुख शांति नहीं मिला पाकिस्तान में तभी ना भारत। चार बोतल ग्लूकोज दे के भेजा उसको, कितनी ग्लूकोज छोड़ती भाई वो? अभी तो वो प्यार नहीं करते थे तो चार हो गए। हाय राम, अगर तुम प्यार करते तो पूरा जिला होता एक। ये पूरी डीटीसी की बस से सीमा हैदर के बच्चे ही होते का? आपने कभी सुना है कि मियां बीबी में प्यार ना हो मगर चार बच्चे हो जाएं? कौन प्यार होता भाई ऐसा? बिक्की डोनर हो क्या तुम लोग भी हैं? पागल है ये लोग मैडम, ये बेकार की बातें हैं। मैं गारंटी ले रहा हूँ, चाहे वो ISI की एजेंट हो या ना हो, कुछ ना कुछ लोचा है। मैडम मकान बेचकर आई, का मकान बेच के, जेवर बेच के, अपने पति की नहीं हुई, मैं ये नहीं कह रहा। और सुनो, अगर पबजी से प्यार और शादी हो जाए तो भाई साहब बुरा मत मानना, ये जितनी मेट्रोपॉलिटन साइड है ये सारे बंद करके पबजी खेलो और लेडीजों के और मैडमों के नाम खोजो, सब लाओ पाकिस्तान से। पाकिस्तान से जरूरी नहीं लाना भाई साहब, फिर बांग्लादेश से भी आएगी, हर जगह आ ही गई है, आ ही गई है। बांग्लादेश से भी एक तो लेडीज घुसी है, एक तो लेडीज घुसी है, अफ्रीका से भी आएगी हलेलुया वाली, उसको भी रखो, वो जो कहेगी हुला ला 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 ले ओ हुला ला 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 ले वो भी आएगी। लो बताइए, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कहां कहां से आ जा रही है? देश को पता ही नहीं चल रहा है। देश को नहीं पता लग रहा, देश को सब पता लग रहा है। गलती के बाद पता लग रहा, नेपाल के रास्ते आ गई है, अब फिरकी लेगी। अब उसको वापस भेजो, नहीं तो उसकी जांच करो, और उसको नागरिकता देने से पहले मेरे आए हुए हिंदू रिफ्यूजियों को नागरिकता दो, जो 30 साल से यहाँ ऐसी तैसी करा रहे बेचारे, उनको ना नागरिकता मिलती है ना राशन मिलता है। ब्रेकिंग न्यूज, तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज। अरे भाई हर चैनल में सीमा हैदर, कोई चैनल खोल लो भाई साहब, सुबह भजन लगा लो तो कहते सीमा हैदर का क्या होगा। अबे तुम्हारा क्या होगा बे, तुम्हारी सीमा भाग जाएगी उसके चक्कर में। मैडम हम सपोर्ट नहीं करेंगे फिलहाल, उसके गांव में लोग पता क्या कह रहे हैं, हाँ मतलब कोई अपने ससुराल भी आया है पूछ रहे, हेलो भैया इसका रास्ता का है? अच्छा सचिन सीमा के घर जाना है? अबे बुड़बक पागल हो गए हो क्या? एक ही मकान है क्या उस गाँव में? और भी तो मकान है। मैं ना समर्थन करता हूँ ना विरोध करता हूँ, जांच होनी चाहिए। अगर हमारे देश में है वो लोग ATS के, किसके ATS के कस्टडी में है वो लोग? बाबा की कस्टडी में है अभी, योगी आदित्यनाथ बाबा। अब बाबा कुछ भी उगलवाएगा, सच तो बोलना पड़ेगा। और चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं पूरा बांस निकलेगा। और ये जो सचिन है ना, सचिन बाबा से गुहार लगाई थी सीमा हैदर की, हमारा आधार कार्ड जो है इंडिया का बनवा दीजिए। आधा पाकिस्तान गुहार लगा रहा है बाबा हमें यूपी में शिफ्ट कर दो, आधा गुहार लगा रहा है पाकिस्तान। ये बाबा है, ये ऐसे नहीं आने देता किसी को। वहाँ के जो प्रॉपर नागरिक है वो आराम से रह रहे हैं, ये तो वैसे ही पाकिस्तान वाले, इनका तो कोई भरोसा भी नहीं है। ये पैदा बाद में होते, बम बनाना पहले सीख जाते हैं। हाँ हम लोग कभी कभी सुनते हैं कोई इतना बड़ा गोला बम फोड़ दे दिवाली पे तो शीशे चटक जाते हैं। ये तो कहते हैं मम्मी मैं बड़ा होकर पता क्या बनूंगा, बोले क्या बनूंगा, मैं बोले कसाब बनूंगा। उनकी सोच है भाई, मगर हमारे देश में कहते हैं हम कलाम बनेंगे, मिसाइल मैन, जो देश का नाम रोशन करेंगे विश्व में। ये हमारे देश में और उनके देश में फर्क है। और दूसरों का बुरा सोचने वाला कभी भला नहीं हुआ उसका, ये दूसरों के लिए कब्र खोलता है। पाकिस्तान, तुम्हारे पास तो आटा नहीं है खाने को, तुम्हारा कख ना रहे,
ये हमारे लिए बुरा सोचते हैं। कहते हैं अगला जुम्मा दिल्ली में, तुम्हारा जुम्मा निकालूंगा मैं भी अगला जुम्मा दिल्ली में। हाँ तुम्हारा यहाँ का अगर जुम्मन मियाँ भी आ गया ना दिल्ली छः वाला, तुम्हारा वही नोचलेगा जिसमें तुम अकड़ते हो, समझ गए? महिला खड़ी इसलिए बोल रहा हूँ, एक ही होता है आदमी के पास। आगे बताओ। अच्छा पाकिस्तान जो है वो तो सीमा हैदर के समर्थन में बोल नहीं रहा है। किलस गया ना मैडम वो, किलस गया। अब आप जैसे मीडिया वालों ने बोला गदर 3 बन गई, आप जैसे मीडिया वालों ने बोला कि भैया गदर बन गई, सनी देओल परेशान हो गया कि सकीना तो मेरे बराबर में बैठी, वहां कौन सी आगे ग्रेटर नोएडा में। गदर टीम गदर तो खुश हो रहे हैं कि ये सकीना जो है लाइव देखने मिल रही है, मेरे अड़ोस पड़ोस में गदर 3 चल ही रहा है, लाइव चल रहा है थिएटर में देखने का। देखो मेरे अड़ोस पड़ोस में कोई आएगा तो मैं, भैया मेरे को भी तो वही रहना है ना। अब लोकल बंदे तो तारीफ कर रहे हैं, मैं कैसे बोल दूं जाके भाई, वो उनकी मर्जी है, वो उनकी हेडेक है। मगर जांच एजेंसियों को पूरी जांच करने दो और उसको नागरिकता नहीं मिल सकती, चाहे वो 1,00,000 मार मांगे, चाहे यार कैसे मिल जाएगी नागरिकता कोई भी बंदा मिली हुई है ना पाकिस्तान की नागरिकता। अरे नहीं पाकिस्तान की तो मिली हुई, क्या मिली हुई है उसको, अच्छा नागरिकता। मैं सोचा सचिन की बात कर रहे हो आप। मैडम देखिए प्यार अंधा होता है, बात को टॉपिक को यही खत्म, पब्लिक भी परेशान है। अगर सचिन और सचिन का परिवार भी सीमा हैदर के साथ मिला हो किसी मिशन को लेके तो उसको पाकिस्तान भेज दो, वही गोला में भेज देंगे जो गोला से आए वो लोग। मैडम कोई बड़ी बात नहीं है, रात दिन यही मुद्दा चल रहा है, और अच्छे अच्छे मुद्दे दिखाओ। किसी की शादी ना हो रही हो, ये लव मैरिज के चक्कर में लड़के सुसाइड कर रहे हैं, और आपको नहीं बोल रहा उधर भैया लड़कियों क्यों हमारे भाइयों को बेचारों को परेशान कर रही हो। ब्रेकअप कहाँ ब्रेकअप होता है बे, बुलेट चाहिए, एप्पल का फोन चाहिए, मैकडी में बर्गर खाना है, बढ़िया वाली कॉफी पीनी है, तुम्हारी लिपस्टिक खरीदते खरीदते उसकी बुलेट बिक गई। मजाक बनाया हुआ है आदमियों का तुमने। अच्छा भला आदमी कमाने खाने वाला अपने माँ बाप का सगा पूरे दिन बाइक लेके तुम्हें घुमाता रहता है और लास्ट में कहते हैं आई वॉन्ट अ ब्रेकअप। बिल्कुल सही। प्यार मैडम प्यार माँ बाप से करो, बहन भाई से करो, बाप से करो। बाप से बड़ा प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, जो अपने बच्चों को छतरी दे के जाता है और बाहर बेचारा भीख के घूम रहा होता है। मैं कहता है मेरे बच्चे, और कोई दिवाली त्योहार हो किसी का भी धर्म का, बाप भले पुराने कपड़े पहन के त्योहार निपटा लेता है, बाप से करो प्यार, मगर बच्चों को पुराने कपड़े नहीं पहनने देगा। अपनी वाइफ की फटी हुई साड़ी को देख के अपनी सैलरी दे देता है और कहता है मेरा इस साल मन नहीं कर रहा कपड़े खरीदने के। अरे बाप तुम लोग माँ के लिए बोलते हो मुझे खुशी है, बोलो माँ के लिए, मगर बाप को भी तवज्जो दो। बाप जैसा तो दुनिया में कोई नहीं बना भाई साहब। और जिसकी छत में सूरज ना हो, जिसकी छत में चांद ना हो, और जिसके सर पे बाप का हाथ ना हो, उसके दिल से पूछो। मेरे तो 2005 में चले गए थे, ठीक है माँ के गाने बनाओ अच्छी बात है, कि माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, तो क्या बाप का दिल पत्थर का होता है? तो पिताजी जो है पिताजी को भी इज्जत दो, और प्यार करना अपने माँ बाप से करो, और अगर प्यार किया है तो उसको निभाओ, मगर मोतियाबिंद वाला प्यार मत करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे दिल्ली के दीपक, इनका जो यही राय था सीमा जी के ऊपर कि इनको जो है पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए, इनको कस्टडी में रखना चाहिए, सारा बात उगलवाना चाहिए जब तक ये पूरी सच्चाई बोल ना दे। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए 99 खबर के साथ, मैं ग्राउंड जीरो से रुचि तिवारी, नमस्कार।